Let's start the chanting of Om. आइए ओम ध्वनि का महत्व जानिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, चौथाई घड़ी मतलब 6 मिनट। ऐसा क्या हो सकता है कि 6 मिनट में ओम का उच्चारण करने से करोड़ों विकार दूर हो सकते हैं? वैज्ञानिक शोध करके पता चला है कि सिर्फ 6 मिनट ओम का उच्चारण करने से सैकड़ों रोग ठीक हो जाते हैं जो इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। 6 मिनट ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में विशेष वाइब्रेशन होता है और ऑक्सीजन का प्रभाव पर्याप्त रूप से होने लगता है। कई मस्तिष्क रोग दूर होते हैं, स्ट्रेस और टेंशन दूर होती है, मेमोरी बढ़ती है। लगातार सुबह शाम 6 मिनट ओम के 3 माह तक उच्चारण से रक्त संचार संचालित होता है और रक्त में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। विशेष ऊर्जा का संचार होता है। 2 सप्ताह दोनों समय ओम के उच्चारण से घबराहट, बेचैनी, भय, एंजाइटी जैसे रोग दूर होते हैं। कंठ में विशेष कंपन होता है, मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, थायराइड, गले की सूजन दूर होती है, स्वर दोष दूर होने लगते हैं। पेट में भी विशेष वाइब्रेशन और दबाव होता है। 1 माह तक 3 दिन में 3 बार 6 मिनट तक उच्चारण से पाचन तंत्र, लीवर, आंतों की शक्ति बढ़ती है और डाइजेशन सही होता है। सैकड़ों उदर रोग दूर हो जाते हैं। उच्च स्तर का प्राणायाम होता है ओम का उच्चारण और फेफड़ों में विशेष कंपन होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र की शक्ति बढ़ती है। 6 माह में अस्थमा, राज्यक्षमा मतलब टीबी जैसे रोगों में लाभ होता है, आयु बढ़ती है। ये सारे शोध विश्व स्तर के वैज्ञानिक स्वीकार कर चुके हैं। बस अब जरूरत है 6 मिनट रोज ओम का उच्चारण करने। ओम का उच्चारण लंबे स्वर में करें जिससे आपको मन की शांति तो मिलेगी ही, साथ ही आप स्वस्थ रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे पुनः भेंट करते हैं।